एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तीन एक, ये एक्स क्यूब का करेंगे हम तो तीन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की घात तीन का किया तो तीन घात आगे आ गई और फिर एक घात कम हो जाएगी तो ये बचेगी घात दो, तो तीन एक्स की घात दो प्लस अब वाई क्यूब का करेंगे यानी कि वाई की घात तीन का करेंगे तो तीन वाई स्क्वायर गुणा डी वाई बटे डी एक्स, क्यों? क्योंकि ये तीन घात आगे आएगी फिर y की घात दो बचेगी फिर अंदर के में y भी एक फलन है तो उसका dy बटे dx होगा। यहां पर भी ऐसा होता है कि 3x स्क्वायर आता है फिर x भी अंदर एक फलन है लेकिन x का क्या अवकलन होता है एक, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन एक होगा लेकिन y का x के सापेक्ष अवकलन एक नहीं होता, वो dy बटे dx हो जाता है, इसलिए इसको अलग से लिखना पड़ता है। आगे हम करेंगे तो तीन ए ऐसा कैसा रहेगा, फिर एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई का अवकलन करते हैं तो एक्स का अवकलन एक और y ऐसा का ऐसा तो बचेगा y प्लस y का अवकलन dy बटे dx और x ऐसा कैसा रहेगा, यानी कि u गुणा v वाले सूत्र से अगर हम देखें तो x का अवकलन y फिक्स प्लस y का अवकलन x फिक्स। यहां से तीन कॉमन लेके इधर भी तीन है तो काट देते हैं कि ये बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गुणा dy बटे dx ये तीन से तीन घटा। अब हम dy बटे dx वाले को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं तो ये आता है y स्क्वायर गुणा dy बटे dx माइनस ax गुणा dy बटे dx बराबर ay माइनस x स्क्वायर। अब dy बटे dx निकालना है तो dy बटे dx को ले लेते हैं कॉमन, dy बटे dx लिया कॉमन, ये बचा y स्क्वायर माइनस ax बराबर ay माइनस x स्क्वायर। ये है हमारे पास dy बटे dx इस फलन के लिए, फलन था हमारे पास x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3 axy बराबर में था 3 axy, तो x के सापेक्ष इसका हमने अवकलन किया, ये अवकलन करने पर dy by dx हमारे पास आता है ay माइनस x स्क्वायर बटे y स्क्वायर माइनस ax। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि यदि x अंडर रूट एक प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट एक प्लस एक्स, एक्स अंडर रूट एक प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट एक प्लस एक्स बराबर है जीरो के, तो सिद्ध कीजिए कि dy by dx तो सिद्ध करो कि dy बटे dx बराबर है माइनस का एक बटे एक्स प्लस एक का वर्ग। यह हमें निकालना है, हमारे पास यह फलन दिया गया है तो इस फलन को एक बार ले लेते हैं नीचे कि एक्स अंडर रूट एक प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट एक प्लस एक्स बराबर जीरो। अब हमें इस फलन को देखकर अगर हम इसका अवकलन करते हैं या अवकलन करके हम डीवाई बटे डीएक्स निकाल सकते हैं लेकिन यह फलन बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो हम इस फलन को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और छोटा करने के बाद इसका अवकलन कर लेंगे। तो हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं कि हम इसको लिखते हैं x अंडर रूट एक प्लस वाई, वाई अंडर रूट एक प्लस एक्स, यहां लगा देंगे माइनस, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर गुणा एक प्लस वाई और वाई गुणा एक प्लस एक्स। हमने यहां पर दोनों तरफ वर्ग किया दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिला एक्स स्क्वायर एक प्लस वाई और वाई स्क्वायर एक प्लस एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर